बाकी पर फिर लगा गंभीर आरोप। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 6 जुलाई 2020 को खाकी पर दबंगई का आरोप लगा है। पीड़ित महिला और एक युवक एसपी दफ्तर पहुंचा, जहां पर उसने अधिकारियों को आपबीती सुनाई। फिलहाल आरोपी दरोगा पहले भी कई मामलों में चर्चित रह चुका है। पूरा मामला नगर कोतवाली की अमहट चौकी इलाके का है, जहां की रहने वाली रिजवाना और युवक अमन ने एसपी ऑफिस पहुंचकर इलाके के दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां एक तरफ रिजवाना ने दबंगों के साथ मिलकर उसके घर तोड़फोड़ का आरोप लगाया, वहीं अमन ने चौकी प्रभारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने अधिकारियों को दरोगा की दबंगई की लंबी दास्तान सुनाई। फिलहाल मामले में कार्यवाही के लिए अधिकारियों ने आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवाना बानो है। क्या मामला है? लड़ाई का, बच्चे खेल रहे थे, उसी लड़ाई में गाली गलौज दी और बोलने पर मारने आ गए 10-15 लोग। दरोगा साहब साथ में, खिड़की तोड़े, दरवाजा में ताला लगवाया, घर से बाहर किया। कल से हम घर के अंदर नहीं हल पा रहे हैं, 2-4 लोग 6-7 लोग बराबर आते जाते हैं, देखते रहते हैं ताला बंद है कि खुला, अगर खुला होगा तो घुस के मारो अंदर। ये अमाहट का मामला है, काशीराम आवास कॉलोनी का, 3 नंबर ब्लॉक। नुकसान मेरा दरवाजा तोड़े, हमको नुकसान पहुँचाया, मारे चोट पहुँचाया, हमारी छोटी बच्ची है 3 साल को, उसको मारे, मेरा लड़का 4 साल का, उसको भी मारे पीटे। दरोगा की मौजूदगी में? दरोगा साथ में आया था, गाली देने लगा, उसको यहाँ रहने नहीं देंगे, उसकी मैया जोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसको यहाँ से भगा देंगे, देखते हैं कौन आता है बचाने के लिए। वो एक बार भी नहीं पूछा कि उसको बुलाओ, हम दोनों पक्ष सामने रखते हैं, बुलाया भी नहीं ना पूछा ही, बस उल्टा सीधा गाली दे रहा हो और 5-5, 10-10 मिनट पाकर देख रहा है कि दरवाज़ा खुला है कि बंद है, गाली देकर पिछला जा रहा है। हम देर के मारे घर के अंदर नहीं एंट्री मार रहे हैं, परेशान करके रखा दरोगा, वो भी झगड़ा वाले दोनों, राम किशोर रावत। हमको रोड पे जहाँ भी देखते हैं हमसे कहते हैं गांजा बेचते हो, पैसा मांगते हैं, हम मंडी से पल्लेदारी करके लौटते हैं, हमारा पैसा जेब में से 200-300 रुपये पाते हैं, मेरा ले लेते हैं, 2 बार हमारे हमसे 500-500 रुपये ले लिए भैया, बहुत मारते हैं। ये राम किशोर रावत दरोगा साहब मारते हैं, कहते हैं तुम गांजा बेचते हो, हमको पकड़ाओ, मुखबिरी करो। भैया हम कहाँ से मुखबिरी करें, हम कमाए खाएँ, हमारी अम्मी अब्बू नहीं है, हम कैसे अपना घर चला रहे हैं, हम ही जान रहे हैं भैया, हमें मारते हैं भैया, बहुत मारते हैं हमें।